आम इंसान जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर घर बनाता है, लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं होता कि एक ही झटके में उसकी जिंदगी भर की कमाई से बना घर नदी में समा जाएगा। बिहार के सहरसा जिले के नवहटा प्रखंड के कई गांवों के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कभी इन गांवों में सैकड़ों हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, लेकिन आज इन परिवार के घर, जमीन, संपत्ति, सुख चैन सब कुछ कोसी नदी में समा गया। कोसी नदी में आई बाढ़ से नवहटा प्रखंड के दर्जनों गांव जैसे रसलपुर, बिरजेन, कुंदहा, झारवा, बकुनिया पानी में डूब गए हैं। यहां के ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में एक बाढ़ पीड़ित विद्यानंद यादव का कहना है कि कोसी नदी ने उनका और कई अन्य लोगों को घर से बेघर कर दिया है। वे अब गांव से भागकर ऊंचे स्थान पर छोटा सा घर बना रहे हैं। राम सती और आशा देवी जैसी महिलाएं भी अपनी परेशानियों को साझा करते हुए कहती हैं कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। वे बांध पर बसने को मजबूर हैं और सरकार की ओर से प्लास्टिक शीट्स या अन्य सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। कोसी में घर कट गया, बहुत आदमी का घर कट गया, हम लोग को बहुत परेशानी हुआ, बहुत घर भस भी गया। हम लोग वहाँ से भाग करके अपना ऊंचा स्थान पर एक छोटा मोटा घर बना रहे हैं, अपना परेशानी उठा करके। विभाग के द्वारा कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है? नहीं, कोई दौर नहीं आया सर। क्या हुआ है? कोसी में घर कट गया सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया, घर भास गया, बहुत आदमी का घर कट रहा है, अभी बहुत सामान बर्बाद हो गया। तो आप लोग कहाँ बसने के लिए आए हैं? ऊंचा जगह पर सर, ऊंचा जगह पर बसने के लिए आए हैं। घर क्या नाम है आपका? विद्यानंद यादव। की बोला भैंस गले सब चीज के घर देने रही भैंस गले सरकारी। कोसी में सब कट गया? हाँ, सब कोसियों में कट गए। इंदिरा बादल के बनबे सरकार कहलक बनबे ला काट लिए दोनों भाई को भैंस गए। तो कहाँ अभी तू सब बसे ले ला, कहाँ रह रहा है? अब अखन एठिन रह रहे माने पर कत्ता जी बने वो प्लास्टिक दे छे सरकार ने कुछ दे छे की करबे। की नाम भेला अहाँ के? हम राम सती। की नाम अहाँ के? ऐसे कागजों पर सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही बयां करते हैं। लोग सरकारी सुविधा से वंचित हैं और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोसी की बाढ़ ने एक बार फिर से सहरसा के ग्रामीणों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। सरकारी सहायता की कमी और पलायन की मजबूरी ने इन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोकल 18 के लिए सहरसा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।